हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई नेहा वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग चैनल। डियर ऑडियंस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ डिफरेंट टॉपिक दैट इज फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर, एडवर्ब्स एंड इट्स टाइप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एडवर्ब इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट parts of speech. It is called क्रिया विशेषण in हिंदी। Adverb parts of speech का एक important part है और इसको हिंदी में क्रिया विशेषण भी कहा जाता है। So let's see its definition. An adverb is a word that describes a verb, an adjective or another adverb. In other terms, we can say that an adverb is a word that modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb, expressing manner, place, time, degree, etc. Some of the examples of adverbs are gently, here, now, slowly, carefully, very, etc. Now, मैं इसका आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी क्रिया के, किसी भी विशेषण के या किसी भी अन्य क्रिया विशेषण के मीनिंग को, अर्थ को चेंज कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब है दैट इज वॉक्स, बट हाउ डज द ओल्ड मैन वॉक? स्लोली। सो स्लोली जो हुआ दैट इज एडवर्ब इन द सेंटेंस। अनदर एग्जाम्पल, ही वेंट लेट। ही वेंट, वेंट इज द वर्ब, वह गए कब? टाइम। ओके, टाइम इज late. So this is another example of adverbs. Let's see some other examples of adverbs. You can see on the screen, dogs don't usually walk backwards. So highlighted word usually is adverb. Second is, fortunately Alex recorded George's win. Third is, he ate the chocolate cake greedily. And you can see more examples on the screen. Now let's see the types of adverbs. Adverbs can be of 5 टाइप। क्रिया विशेषण के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। फर्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम, सेकंड इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, थर्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर, फोर्थ इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एंड नाउ लेट्स सी द फिफ्थ टाइप ऑफ एडवर्ब दैट इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन समथिंग टेक्स प्लेस, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी रिपीटेशन कैसा है किसी भी एक्शन का, हमेशा होता है, कभी कभार होता है या कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका कुछ फ्रिक्वेंसी को हम जब यूज करेंगे तो इसके परसेंटेज बेसिस पे यूज करते हैं। जब भी कोई एक्शन कभी नहीं हो रहा तो वहां पर हम एडवर्ब यूज करेंगे नेवर, और कभी कोई एक्शन हमेशा होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑलवेज। और इसी तरह और भी सिनेरियो है कि कभी कभी होता है, राइट, ये परसेंटेज वाइज होता है। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एग्जाम्पल दे रखे हैं कि आई यूजली वॉक टू वर्क, कि मैं प्रायः पैदल चलकर ही काम पर जाता हूँ। आई समटाइम्स सिंग इन द शार, मैं कई बार शार में गाना गाता हूँ। आप जब इसको डिटेल में देखेंगे तो यू विल बी गेटिंग मोर लाइट अपॉन दिस। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब दैट इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम डिस्क्राइब्स व्हेन थिंग्स हैपन। इट मीन्स एडवर्ब जो है आपको क्रिया विशेषण जो टाइम का है वो ये बताता है कि कोई भी एक्शन कब हुआ, टाइमिंग को बताता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, एडवर्ब ऑफ टाइम जो भी आपका वर्ड होता है एडवर्ब, वो या तो सेंटेंस के बिगनिंग में लगता है, यूज होता है, या एंड में यूज होता है। एंड सेकेंडली, एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो हमें है वो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के बारे में बताता है, यानी कि कोई भी एक्शन किस टेंस में हुआ, इससे हमें ये भी पता लगता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं एडवर्ब ऑफ टाइम्स के, afterwards, now, soon, then, yesterday, tomorrow, all these are the examples of adverbs of time. Now comes second type of adverb that is adverbs of place. Place का मतलब आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर आपको कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ब कहाँ पर हो रही है उसका सिग्निफिकेंस मिलता है आपको। ठीक है, और इसमें जो जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो आपको हमेशा एक क्वेश्चन का आंसर देती है, where, यानी कि कहाँ। The boys are playing upstairs. In this sentence, upstairs is a adverb and example of adverbs of place. आपको आंसर मिल रहा है, the boys are playing where. Answer of where, upstairs. Another example, the dog is in the garden. So the dog is where? In the
गार्डन. सो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है ये एग्जाम्पल. नाउ कम्स थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एडवर्ब्स ऑफ मैनर डिस्क्राइब्स हाउ समथिंग इज डन और हाउ समथिंग हैपन्स. हमें ये बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर कि कोई भी एक्शन कैसे हुआ या कैसे होता है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल कि मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स एंड करते हैं LY से. LY मीन्स सैडली, हैप्पीली, एंग्रीली, सडनली, ब्रेवली, स्लोली एटसेट्रा. एंड सम एडवर्ब्स इस रूल को फॉलो नहीं करते, यानी कि कुछ एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो हैं वो LY से एंड नहीं करते, फास्ट, वेल, हार्ड एटसेट्रा. नाउ कम्स फोर्थ टाइप ऑफ एडवर्ब, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है हमें वो किसी भी एडजेक्टिव की इंटेंसिटी या डिग्री को बताता है, किसी भी एक्शन की या किसी भी एडजेक्टिव की या किसी भी अनदर एडवर्ब की इंटेंसिटी को बताता है. इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. कॉमन एग्जाम्पल्स ऑलमोस्ट, एब्सोल्युटली, बेयरली, हार्डली, फुली, फेयरली, यानी कि कैसे, कितना, कितना परसेंट, राइट, कितना एक्सटेंड तक. और इसमें हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री से हमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिलता है, हाउ मच, कितना, एंड टू व्हाट एक्सटेंड, किस एक्सटेंड तक. जैसे आपके सामने एग्जांपल्स हैं, दे वर ऑलमोस्ट फिनिश्ड, इट मीन्स दे वर ऑलमोस्ट फिनिश्ड का मीनिंग है कि वो लगभग कम्प्लीट फिनिश कर चुके थे. ठीक है, तो ऑलमोस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. अनदर एग्जाम्पल, अनदर सेंटेंस, दिस केक इज एब्सोल्युटली वंडरफुल. सो एब्सोल्युटली इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू.